एलिमेंटारी ने यहाँ पे एग्जिस्टेंस अपने प्लेयर को ही नॉकडाउन कर दिया है वापस से, जिनको अभी अभी रिवाइव दिया था एलिमेंट के अल्ट्रा, सारी टीम्स अभी गेम में रहेगी। एग्जैक्टली यहाँ पे मुझे लगा था कि आज जेएसएल शायद से ज्यादा देखेगी, बट यहाँ पे गॉडल है थोड़ा सा ओके। गॉडल यूजली गॉड हमेशा पूछेंगे कि आसपास दिखती, बट ये जो उन्होंने फर्म्स पकड़े हैं ये घटका की तरफ क्यों उतरे हैं, मुझे इतना ये थोड़ा रिस्की रख सकता है, बट यहाँ पर एम उनके अंदर आके मर गए थे। वहां पे चिकनडे ने निकाला था यूमुम्बा ने, फिर थर्ड गेम के अंदर तो चिकनडे ने खुद ही निकाल लिया था यहाँ पर टीम सेवन सीज ने, तो ये काफी अच्छा था। वहां पे सेकंड गेम के अंदर सैनॉक्स पे निकाला था, थर्ड के अंदर फिर थर्ड आए थे, टॉप थ्री फिनिश था। वेम्पायर ने यहाँ पे स्निपो को नॉकआउट किया, वहीं पर एंटो ने स्निपो का गेम यहाँ पे कंफर्म कर दिया, एक बहुत बड़ा झटका टीम एल्स के लिए, बिकॉज एल्स के मेरे ख्याल से पॉइंट 63 या 65 थे अभी तक, और आज का दिन उनको स्मूथ ही चाहिए था। वहां से मार्किन कर रहे कि किसी तरफ से भी उनकी टीम को अगर कोई हार्म करता है एटलीस्ट वो इन्फो प्रोवाइड कर सके टाइम पर और वो गेम में आगे बढ़ेंगे। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो वेयरहाउस में एक ग्रेनेड बहुत ज्यादा क्रूशियल रहेगा, और कैरी या तो कोई भी एंगल में, बिकॉज वेयरहाउस में कवर्स होते हैं वहां पे, बट ग्रेनेड अगर पुल करके फेंको तो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि वहां पे एक ना एक प्लेयर नॉकडाउन होगा, तो वो आपको एक लाइसेंस देता है कि आप अंदर जाओ एंड क्लियर रशन करो, बिकॉज उस टाइम पे एक प्लेयर अगर रिवाइव दे रहा होगा तो दैट विल बी 2 vs 4 सिचुएशन फॉर यू, एंड चार प्लेयर आपके पूरे जिंदा रहेंगे। एंड इस वाले सेकेंड एयर ड्रॉप में AWM आई हुई है, और देखते हैं कौन सी टीम यहाँ पे आसपास आती है, पोचिंग के अराउंड ही है वाला अगर आप एयर ड्रॉप की बात करें होती हुई नजर आएगी। बट वहां पे नेक्सस ओपी टैग खा के गए हैं, और आप देखो तो SLR चला रहे थे वहां पे, अब देखो अब ग्रेनेड का यहाँ पे यूज करेंगे, बट अगर टैप करके थोड़ा सा आगे गया कैरी का ग्रेनेड, ये थोड़ा सा कुक्ड रहता तो बेटर रहता, बट वहां पे नेक्सस ओपी ही फॉल्ड बैक फ्रॉम दैट सिचुएशन। राइट हैंड साइड से 7 सीज का स्क्वाड भी वो लोग निकले, फाइनल बॉस गया अभी पोचिंग की किए ओपन वीट फील्ड्स के पास से, यहाँ पे तीनों गाड़ी और जा रही है। एग्जैक्टली यहाँ पे 7 सीज का पूरा काफी का जो हमारा होता है कहते हैं ना बिल्कुल एक पूरा कहते हैं उसको क्या बोलते हैं झुंड में कुछ नहीं, और लेट गेम के अंदर चारों प्लेयर का बचना एक अच्छी एडवांटेज देगी। तो अभी तक इनसे ने फिर से एक अच्छा खासा होल्ड कर रखा था कंपाउंड, उन्होंने एक शैक होल्ड कर रखा था, और जैसे ही उन्होंने टक्कर मारी वहां से बाहर निकलते हैं बिल्कुल बैकअप देने, और यहाँ पे स्मोकी और गिल का जो गेम है बहुत जल्दी खत्म हो गया। अब जब दो प्लेयर बचे टीम खत्म, वहीं पे गॉडलाइक दो प्लेयर के साथ कर रही है, वहां पे इनसेन टीम ने काफी कोशिश करी थी यहाँ पे गॉडलाइक को डैमेज देने की, उन्होंने दो प्लेयर खाए भी बट बाकी दो ने अच्छा कमबैक किया यहाँ पर। यहाँ पे एग्जिस्टेंस और कैरी बचे अपनी टीम को, क्या ये चिकन निकाल पाएंगे बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हर बार हमने देखा है 2v4 के अंदर सिचुएशन फंसी है कि सामने ऑरेंज रॉक है, क्योंकि ऑरेंज रॉक एक ऐसी टीम है जो तरीके से खेलती है 10 किल ऑलरेडी निकाल चुकी है, इसका मतलब अगर वो सेकंड थर्ड भी आते तो काफी अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। वहां पे एग्जिस्ट ने यहां पे ओआर के वैम्पायर को नॉकआउट किया अपने स्कारल के नॉर्मल टैप से, एंड ही इज जस्ट मार्किंग द फाइनल एंगल, जहां पे अब सर्कल का गेम है, अगर यहां पे ऑरेंज रॉक के सर्कल के ऑरेंज रॉक के अगेंस्ट सर्कल कटा देन काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई, वहीं का फायदा उठाना यहां पे टीम गॉडलाइक को, गॉडलाइक को आराम से खेलना है और सर्कल की गेम खेली है, सर्कल किसी भी सेकंड नया आ सकता है, यस नया सर्कल आता है पूरे 40 से 50 सेकंड मिलेंगे, एंड यूनिफॉर्म सर्कल कटा है। यहाँ पे जो टीम एल्स है उनको रोटेट करना पड़ेगा, काफी ज्यादा फेवर कर रहा है यहाँ पर टीम ओआर को क्योंकि उनको अपर एज चढ़ना है, और सामने बस एम का एक ही प्लेयर है जूस, अगर जूस को इन्होंने मार गिराया देन अपर एज पूरा इनका कंट्रोल में होगा, और वो आराम से नीचे जो टीम्स है उनको हंड डाउन कर सकते हैं, हंड डाउन क्या मैं तो कह सकता हूं उनको आराम से सप्रेस करके गेम से बाहर निकाल सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। वैम्पायर को रिवाइव मिल चुका है, सो ऑरेंज रॉक इज बैक, फोर मैन स्क्वाड फिर से आ चुका है, अल्ट्रॉन मैक्स टू मैक्स स्मोक्स करके अपने लिए जितने भी वॉल्स बनाना चाहते हैं बना रहे हैं जिससे कि ज्यादा गेम में आए, बट ध्यान रखना पड़ेगा कि ओआर के पास ऐसा एच पड़ा है कि अगर ऊपर से देखेंगे तो सारे स्नेक्स उनको आराम से देखेंगे और वो आराम से शूट करके उनको बाहर निकाल देंगे, और अगर थोड़ा गट्सी मूव देखेंगे तो अल्ट्रॉन कोशिश ये कर सकते हैं कि अल्ट्रॉन थोड़ा पीछे से जाकर एक बैक स्टैप दे सकते हैं, बट वहां पे मवी ने दो गाड़ियां लगा रखी है और वो भी एक अच्छा कवर बना रखा है, सो एक कंप्लीट टीम फाइट हमें यहां पे देखने को मिल सकती है। बिल्कुल ऑरेंज रॉक के पास एक ही वाला जो फोर मैन स्क्वाड इनका बचा हुआ है, ये एक चांस देते कि ये लोग चिकन डिनर निकाले, बट गॉडल का स्क्वाड टू मैन खेल रहे हैं अभी फिलहाल, एग्जिस्टेंस एंड कैरी है, बट ज्यूस ने वहां पे नॉकडाउन करा वैम्पायर को, अभी ये दिक्कत दे सकते बिकॉज ये एक प्लेयर जो बचा हुआ है आपके दो प्लेयर एटलीस्ट खा सकता है, जहां पे एक प्लेयर वैम्पायर को नॉकडाउन कर दिया, एंड अभी वहां पे देखते हैं रिवाइव मिलेगा नहीं मिलेगा, वहां पे एग्जिस्टेंस नॉकडाउन होते हुए एल्स के मैट जो कि अकेले जिंदा थे वही दिक्कतें पैदा करते हुए गॉडल के लिए, एंड यहाँ पे ऑरेंज रॉक के जो वैम्पायर को नॉकडाउन करा था ज्यूस ने, अब देखते हैं फिनिश होते है, नहीं होते, बट एंटो ने वहां पे स्पॉट करा है, ज्यूस वहां पे प्रोन डाउन हो चुके हैं इंस्टेंट, बट यहाँ पे रन ओवर करा मावी ने इंस्टेंट नॉक बिकॉज आखिरी प्लेयर बच फिनिश होते हुए, एंड एल्स निकलती हुई फोर्थ प्लेस पे, स्मोक बॉल जहां पे बनाएंगे बिकॉज आपको एक कवर चाहिए रहता है जहां पे दूसरे एंगल से अगर आप फाइट ले रहे हो। कैरी ने यहां पे एग्जिस्टेंस अपने प्लेयर को ही नॉकडाउन कर दिया है वापस से, जिनको अभी अभी रिवाइव दिया था एलिमेंट के अल्ट्रॉन, वहां पे नॉकडाउन एंड फिनिश होते बिकॉज लास्ट मैन स्टैंडिंग, एंड एलिमेंट एलिमिनेट होती हुई थर्ड प्लेस पे, इट इज जस्ट अबाउट गॉड लाइक एंड ऑरेंज रॉक। कैरी ने वहां पे रिवाइव दे दिया बट इतना सफिशिएंट नहीं रहेगा, ऊपर से आएगा मावी बिकॉज ही इज एन एग्रेसिव प्लेयर, कैरी को यहां पे नॉकडाउन करा, एग्जिस्टेंस ने यहां पे अपनी फर्स्ट एड पॉप कर ली है, राइट हैंड साइड से भी प्लेयर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड से भी आएंगे, बट यहां पे एग्जिस्टेंस को प्री फायर देते हुए मावी इस वाले मैच के बाहर करेंगे, ऑरेंज रॉक
यहाँ पे निकालती हुई बहुत बढ़िया चिकन डिनर एंड क्या ही मैच खेला है। 15 किल्स इन्होंने निकाले हैं एंड 35 पॉइंट ये लोग निकाल के